नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। नीट पेपर लीक की जांच जारी है। गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ चल रही है। इसमें अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अब नीट पेपर लीक मामले में बिहार के एक मंत्री का कनेक्शन भी सामने आया है। हालांकि ये मंत्री कौन है इसका खुलासा अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ईओयू के नोटिस के बाद आज दो छात्राएं पूछताछ के लिए पेश हुई। नीट मामले में सबसे बड़ा खुलासा, पेपर लीक से जुड़ा मंत्री का कनेक्शन, पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा। बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नीट गड़बड़ी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक के आरोपी अनुराग यादव से पूछताछ में मंत्री से कनेक्शन सामने आया है। हालांकि यह मंत्री कौन है इसका खुलासा नहीं हो सका है। नीट पेपर लीक कांड में बिहार के एक मंत्री की भूमिका सवालों के घेरे में है। पेपर लीक के आरोपी अनुराग यादव ने बताया है कि वो मंत्री की मदद से एनएचएआई पटना गेस्ट हाउस में रुका था। अनुराग यादव ने यह भी बताया कि उसी गेस्ट हाउस में सवाल रटाए भी गए थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही पता चल जाएगा कि सरकारी गेस्ट हाउस कौन इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे आरजेडी माइंडसेट के लोग शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों ने वहां ठहराया है उसकी पूरी तहकीकात कर करके उन लोगों पर इमीडिएट कार्रवाई करने का आज हम लोगों को बुलाए भी हैं, और हम अपने यहाँ के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे कि किन लोगों की भागीदारी होती है, इस तरह के कौन लोग कहाँ कहाँ गलत ढंग से यूज कर रहे हैं सरकार के गेस्ट हाउस का, विभाग का या विभाग के पदाधिकारियों का। पेपर लीक कांड की जांच हो रही है और लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। अब मंत्री कनेक्शन सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आरोपी की मदद करने वाला मंत्री कौन, मंत्री ने आरोपी की कैसे मदद की, क्या मंत्री से भी पूछताछ की जाएगी, क्या नीट गड़बड़ी में मंत्री का भी रोल है। बेशक ये सवाल गंभीर है जिनके जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।